हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सिरका प्याज जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और अक्सर हमें रेस्टोरों में ये मिलते हैं जो हमारे खाने के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं को बनाते हैं अपने घरों पे। मिलते हैं इस म्यूज़िक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने लिया यहाँ पर कम से कम 8 से 10 प्याज जो कि छोटे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं हैं तो आप बड़े प्याज़ों को भी 2-3 टुकड़ों में काट सकते हैं। थोड़ी सी मिर्च जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है सिरके में, और ये हमारा चुकंदर लिया है जो कि हमारे प्याज को कलर देने के लिए काम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक पैन चढ़ा लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग मतलब हाफ कप के आसपास। तो इसको क्या करना है कि ये पानी हमें बॉयल करना है। इसमें हम एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे। तेज़पत्ते के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी लौंग और जो काली मिर्च आती है उसको भी ऐड कर देंगे। इस पानी को हमें अच्छे से बॉयल करना है ताकि जो मसालों का अर्क है वो पानी में आ जाए। ये पानी हम सिरके में इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा प्याज है वो ख़राब नहीं होगा कुछ दिनों के लिए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो विनेगर है सिरका उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है शुगर के साथ। तो अब इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड कर देंगे जिससे प्याज वगैरह है थोड़ा सा गलने में सहायता करेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्याज वगैरह हैं हम उनकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो प्याज हैं इसको हम 2 कट मारने हैं जो कि लगभग आपके 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि आपको सीधे सीधे कट करना है इनको। आप देख सकते हैं, एक ऐसे कट मारना है और एक इस क्रॉस में। तो ये दो तरफ से ऐसे कट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्याज में पूरी तरह से नीचे तक नहीं काटना है, यानी कि हमें आधे प्याज से थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा विनेगर है वो अच्छे से इसमें अंदर तक चला जाएगा और हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से विनेगर से मिक्स हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, ये हमारे सारे प्याज जो हैं वो हमने कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम एक जार लेंगे जो कि कांच का जार होगा। ये लगभग मेरे 500 ग्राम का कैपेसिटी वाला जार है। अब हम सारे प्याज को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद गाइस, इसमें क्या है, जो हमारी ये मिर्च वगैरह हैं इनको भी हम इसमें डाल देंगे। आप जो देख सकते हैं, मतलब प्याज जैसे भी एडजस्ट हो जाए, आपको सारे प्याज इसी के अंदर रख लेने हैं और ये हमारा लगभग लगभग फिल होने वाला है। जी देखिए, हमारे ये सारे प्याज इसमें आ गए हैं अच्छे से और इस तरह से ये फिट हो जाते हैं। तो आप अगर प्याज आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इससे बड़ा भी जार ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 500 ml का जार लिया हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी जो अपनी मिर्ची हैं ये भी साइड साइड में इनको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो ये भी हम जो हमारी मिर्ची है वो भी अच्छे से इसमें एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जार को थोड़ा सा पानी से भर देंगे जो कि नॉर्मल पानी होगा। लगभग हाफ जार, मतलब उससे थोड़ा सा कम ही रखिएगा क्योंकि हमें पूरा नॉर्मल पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने मसाले वाला पानी बनाया है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो लगभग हम इसमें आधा जार तक नॉर्मल पानी फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं, इतना ही आपको लगभग पानी फिल करना है नॉर्मल वाला। अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। ये विनेगर आप वाइट वाला है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। लगभग इसमें हम 5 से 6 चम्मच जो विनेगर है वो टेबल स्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके प्याज ज़्यादा हैं या फिर आपकी बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप विनेगर को उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 500 ml के आसपास जो पानी है इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच विनेगर ऐड किया हुआ है। अब ये जो चुकंदर थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमारा मसाले वाला पानी था उसको भी ऐड कर देंगे। तो इससे हम पूरा जार भर देंगे अच्छे से। तो ये गाइस, हमने पूरा जार जो है वो पानी से भर दिया। अब हम इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद अब हमारा ये जो पानी वाला बॉटल है इसको हम फ्रिज में रखेंगे लगभग 24 से 30 घंटे के लिए, क्योंकि ये अच्छे से जो विनेगर है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा और जो प्याज है वो थोड़ा सा नरम भी हो जाएंगे विनेगर की वजह से। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और लगभग हम इसमें 24 से 30 घंटे के बाद इसे दोबारा से यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो प्याज है वो लगभग इसे रखे हुए हमारा 24 से 30 घंटे हो चुका था। ये बहुत ही अच्छा आया है कलर, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल गुलाबी हो गया है। और इसका मतलब कलर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा आया है। अंदर तक बिल्कुल इसका जो पिंक कलर है वो एकदम फिल हो गया है चुकंदर की वजह से। और ये क्रिस्पी भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे गल चुके हैं, अभी ये जो हैं वो अच्छे से विनेगर में कोट हो चुके हैं। तो फाइनली ये हमारे डन हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और अपने खाने के साथ इसे इंजॉय करिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे बने थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ इसी चैनल पे, तब तक आप देखते रहें, धन्यवाद।